वेलकम है आपका ऑल इन वन क्लासेस में चैप्टर नंबर 13 और एक्सरसाइज जो 13.1 क्लास 9 का देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ द रूम 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर। वो बता रही है फोर वॉल को जो व्हाइट वॉश करते हैं और ऊपर सीलिंग को जो करते हैं, तो आपको फिर से पता है कि जो बॉटम का है वो छूट जाएगा, यानी 5 उसके ये हो रहे हैं। कितने फोर वॉल और सीलिंग एक 5 ऐसे मिला के हो रहे हैं। जो नीचे का बॉटम है उसमें टाइल बिठी हुई रहती है और उसका जो रेट दे हुआ है 7.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, यानी एक मीटर के कितने 7.50 रुपए। तो हमें इसका व्हाइट वॉश का टोटल निकालना है, एरिया निकालना है, उसको 7.50 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कितना खर्चा लगता है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट में जब आप राइट करेंगे तो इसका जो आंसर है इस तरह आपको राइट करना है। तो गिवन आपको क्या क्या दिया हुआ है पहले वो राइट कर लीजिए। गिवन तो सबसे पहले इसमें जो लेंथ है, लेंथ कितनी आपको दी हुई, लेंथ 5 मीटर। देखिए यहां पर आपको दिया गया है लेंथ फिर ब्रीथ और फिर हाइट, ये आपको दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ये लेंथ हो गया, ये ब्रीथ और ये हाइट। ओके तो लेंथ 5 मीटर और अब इसके अंदर ब्रीथ देखना है, तो ब्रीथ कितनी दी हुई है 4 मीटर और हाइट इसकी दी हुई है 3 मीटर। आपको पता है क्या एरिया ऑफ द फोर वॉल, मैं लेता हूं देयर फोर, यहां राइट कीजिए एरिया ऑफ फोर वॉल्स, चार दीवार किसके इक्वल में रहेगा, लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। यानी इसका मतलब ये होता है कि जो फोर वॉल होते हैं तो वो किसके इक्वल में होता है, लैटरल सरफेस एरिया। और उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, लैटरल सरफेस एरिया का टू, मान लो ये जो एरिया ऑफ फोर वॉल, तो दीवारी कितनी हो गई 4, तो ब्रीथ कितनी आएंगी 2 टाइम, हाइट कितनी आएंगी 2 टाइम प्लस अगेन हाइट और उसकी लेंथ, तो ये हो गया। तो हम इसको और में इस तरह भी लिख सकते हैं 2h 2 into हाइट और लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम इस तरह भी लिख सकते हैं बी प्लस एल, हाइट 2 मरतबा ब्रीथ 2 टाइम और एल्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही फॉर्मूला हमें फिर से मिलेगा। चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये फॉर्मूला मैं लूंगा कौन सा 2h वाला, 2h बी प्लस एल, इसमें वैल्यू पुट कीजिए 2 इंटू एच कितना है हमारे पास में 3a, देखिए ऊपर 3a इन ब्रैकेट, b कितना है 4 और l कितना है 5, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 5 हो गया 9। तो अगर इनका मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं तो कितना जाएगा 3 2 6 6 9 54, तो 54 मीटर स्क्वायर। तो इससे पता लग गया 54 मीटर स्क्वायर है। और उसमें एक पॉइंट हमें दिया हुआ था एरिया ऑफ सीलिंग, तो एरिया ऑफ सीलिंग के लिए क्या आएगा, लेंथ भी आएंगी उसकी ब्रीथ भी आएंगी एरिया ऑफ द सीलिंग। हमें देखना एरिया ऑफ सीलिंग के लिए फॉर्मूला किस तरह बनेगा, इसलिए मैं यहां पर राइट करता हूं एरिया ऑफ सीलिंग। यह फॉर्मूला बनेगा उसका एल इंटू बी, लेंथ भी आती है सीलिंग को और ब्रीथ भी आती है, वैल्यू पुट कीजिए एल हमारे पास में कितना है 5 इंटू ब्रीथ 4, 5 4 20, तो सीलिंग का कितना गया 20 मीटर स्क्वायर। तो फोर वॉल का भी मिल गया हमें और सीलिंग का भी मिल गया। अब हमें टोटल एरिया ऑफ वॉल एंड सीलिंग ऑफ द रूम देखना है, क्या देखना है टोटल एरिया ऑफ वॉल्स एंड सीलिंग। कितना आएगा उसका टोटल, देखिए पहले वॉल फोर वॉल का है 54 प्लस सीलिंग का कितना है 20, तो कितना आ गया 54 और 20 कितना होगा 74
74 और ये मीटर स्क्वायर। तो इससे एरिया टोटल हमें एरिया मिल गया 74 मीटर स्क्वायर। लेकिन कॉस्ट कितनी दी हुई है, पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी दी हुई है, 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 7 रुपए 50 पैसे। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना जाएगा, 74 इंटू 7.50 पैसे रुपीज सॉरी। तो कितना जाएगा इसका जो आंसर आएगा, उसका अगर मल्टीप्लीकेशन आप करते हो तो उसका मल्टीप्लीकेशन से आंसर हमें मिलेगा रुपीज फाइव। यानी ये फाइनल आंसर है हमारा। उसने फोर वॉल को व्हाइट वॉश करना और सीलिंग को, तो उसका एरिया निकाल के उसके जब हम 7 रुपीज 50 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 555 रुपये हमें लगेंगे। प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और रिव्यू कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर आवर चैनल।